हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट एवरेज डे में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे चैनल हो रहा है आप सभी के लिए, वो ये हो रहा है कि निकट भविष्य में कौन सी प्रमुख घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं। ओके, ये मेजर इवेंट्स जो हमारी लाइफ में मेजर चीज़ें घटित होती हैं, मतलब एक तो होता है दिनचर्या, मतलब घंटों में होती हैं, दिनों में होती हैं, और एक होती है जो मेजर होती हैं, जो खास होती है, और जिसके जिसके होने से जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, मैं उन घटनाओं की बात कर रही हूँ। ओके, तो ये निकट भविष्य में ही होने वाली हैं, ज़्यादा दूर का नहीं देख रही हूँ और ज़्यादा पास का भी नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर जो मुझे चैनल हो रहा था, ठीक है, मेजर होंगी वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, कुछ कुछ ना हो। जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आपकी मेरी ऊर्जा बहुत, मतलब सिंपल है, सौंधी है, बहुत इजी है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ आप सभी के बारे में, क्योंकि मैं जैसी हूँ, मैं वैसी ही एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ, अपने से अपनी तरफ आने की मंजूरी देती हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन नहीं चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर निकट भविष्य में आने वाला जो भविष्य, कौन से मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कौन से मेजर, थैंक यू। पहले हम ओरेकल से देखेंगे कि क्या आ रहे हैं। थ्री कार्ड्स निकालूंगी मैं इसमें से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। सब मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में, जैसे आप अभी तक थोड़ा सा भी आप आगे चल रहे थे, तो आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, कि आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई रोशनी नजर आ जाए, क्योंकि बस मेरे माइंड में एक दिया नजर आया, ठीक है, कि आपका दिया, जैसे कहते ना कि अब ये दिया कुछ भी हो सकता है, आपकी आपकी आत्मा यहाँ पर जाग रही है, या आपके घर में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जहाँ पर एक दिया ही काफी होता है, रोशनी के लिए सिर्फ एक दिया ही काफी होता है जो पूरे अंधकार को मिटा दे, ठीक है। तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं निकट भविष्य में, जो आपकी पूरी जिंदगी में जो भी, मतलब आपकी लाइफ में जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उस एक ही विश से आपका हो सकता है वो पूरा अंधकार, वो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। जो मुझे चैनल हो रहा है आप सभी के लिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हॉर्स फ्री स्प्रिट। ओके, एंड पांडा बैलेंस। मेजर इवेंट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एंड बियर, यू आर द लाइट। मैं जस्ट अभी जो मुझे चैनल हुआ आप सभी के लिए यहाँ पर, लाइट प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर इवेंट्स, सबसे पहले मेजर इवेंट्स आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है, डायमंड लाइट एक्टिवेशन। माय गॉड, ये देख रहे हो आप इसको, सिंपली आप यहाँ पर एक मेजर, सबसे बड़ा जो मैंने अभी चैनल अभी आपके लिए हुआ यहाँ पर, कि ये एक निकट भविष्य के लिए आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ब्लेसिंग्स आ रही है, जो एक आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिया जलने वाला है, जहां पर सारी जो मुसीबतें हैं, जो कहते हैं ना कि सारी मुसीबतों की जड़ यही है, ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई तो मानो हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। तो कुछ मैं आपके लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपकी एक एक ही प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल रहे हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी वही प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है कि निकट भविष्य में,
जिससे जैसे कहते ना कि एक प्रॉब्लम है और उसी से आपके सारे तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये निकट भविष्य में होगा, लेकिन उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को फ्री, आपकी आपकी स्पिरिट का, आपकी सोल का यहाँ पर मैसेज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को फ्री रखोगे, ठीक है, मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर यही आ रहे हैं कि आप अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा आपकी जिंदगी में एक ऐसी विश पूरी होने वाली, एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जहां पर आपकी आपकी जैसे आपको फ्री कर दिया है, आपको फ्री कर दिया है हर बर्डन से, हर स्ट्रेस से, हर नेगेटिविटी से, ठीक है, जहां पर आप फ्री हो रहे हो। अब फ्री होने का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में वो सब रिलीज हो रही है और आप अपने आप को आजादी से, ठीक है, बैलेंस के साथ, बहुत जैसे मुझे तन मन धन है ना, वो वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि बिल्कुल तन मन धन से आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर बियर, यू आर द लाइट, आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो। अभी तक जो मुझे चैनल हुआ था एक अंधेरा था, अंधेरे में ही आप चल रहे थे, लेकिन ये जो मेजर चेंज होगा निकट भविष्य में, कोई एक ऐसा डेफिनेटली एक ऐसी विश आपकी पूरी होगी जहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और वहीं से आपको एक ऐसा प्रकाश नजर आएगा, जैसे आपके जीवन से अंधकार अंधकार जैसे छट जाएगा, जैसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा था कि जहां पर आपको जैसे इल्यूजन बहुत होंगे, कंफ्यूजन बहुत होता होगा कि चीजों को कैसे लेकर जाना है आगे, तो वो सारी चीजें कहते वो रिलीज कर रहे हो आप यहाँ पर, जैसे छट रहा है आपकी लाइफ से, जैसे दुखों के बादल छट रहे हैं, कंफ्यूजन जो माइंड में था वो निकल रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, और आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो क्योंकि आप एक बैलेंस वाली ऊर्जा में आ रहे हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हर चीज को अभी तक शायद आप अपने आप को बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, तो बैलेंस की ऊर्जा भी आपकी यहाँ पर रहेगी, हर चीज को बैलेंस वे में आप लेकर जा रहे हो, ठीक है। और आपकी जितनी भी आपके अंदर काबिलियत है, क्रिएटिविटी है, आपका हुनर है कि किसी भी चीज में आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे थे, जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हो, ओके, या आप अपनी आप किसी एक ऐसी किसी एक ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, तो वहां पर आप अपने आप को फ्री समझोगे, बैलेंस हो और आजादी की तरफ जा रहे हो, और बहुत आपको एक ऐसा महसूस होगा कि फाइनली अब मैं जो मैं अपनी अपनी जिंदगी में जो सुख समृद्धि है, ठीक है, जो मेरा चेन है तन मन धन का, वो चेन मुझे यहाँ पर नसीब हो रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा मैसेज है किसी के लिए यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आप लाइट की तरफ जा रहे हो, प्रकाश की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ओके। सन की ऊर्जा से आप अपने आप को कनेक्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आपकी सोल आप अपने आप को आप उसे आजाद कर रहे हो, किसी एक ऐसे गहरे उससे आप आजाद करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। और आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हर चीज को, जैसे यू आर द लाइट, यहाँ पर लाइट जैसे आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा आप अपने आप को लाइट में रखने की कोशिश करो, ठीक है। पहले आप अंधकार में थे, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, लेकिन अब आप लाइट की तरफ जाओगे। उगते सूरज को सलाम करना, ठीक है, या उगते सूरज को देखना, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपका भाग्य उदय हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए साइन रहेगा, आपके लिए साइन रहेगा, सिंबल रहेगा कि हाँ जैसे आप जैसे जैसे चीजों को आप देखोगे, ठीक है, कि आप बहुत जैसे आप एक्टिव हो रहे हो, एक जोश आ रहा है आपके लिए, एक माइंड माइंड के अंदर बहुत ज्यादा आप क्रिएटिविटी को भी देखोगे। और आपके लिए सन की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी, जितना ज्यादा आप सन की ऊर्जा को जैसे अर्ली मॉर्निंग ही उठ के थोड़ा बहुत आप सन की ऊर्जा को आप लोगे, तो वहां से आपके अंदर बहुत कुछ चीजों को आप चेंजेस होते हुए देखोगे,
ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। सबसे बड़ा जैसे कहते ना कि जड़ यही है, ओके। तो जड़ यहाँ पर कि आप अपने आप को हर चीज में बैलेंस बिठा रहे हो, ठीक है। और बहुत खूबसूरती से आपकी आप अपने आप को आजाद आजाद परिंदा, जैसे पंछी आजादी के साथ उड़ते हैं, तो उसमें उस दुनिया में उस सपनों में आप जाने वाले हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका काफी कुछ आपके जो ब्लॉकेज है वो रिलीज हो रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर टू कार्ड्स आए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। नाइन की ऊर्जा आई है यहाँ पर, जो मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। एट नाइन टेन एक फ्रिक्वेंसी आ रही है आपके लिए, एट नाइन टेन, मतलब यहाँ पर आपके लिए सिंपली जो निकट भविष्य में मेजर इवेंट्स आपके लिए यहाँ पर होने वाले हैं, कि आपको मतलब आपको जो आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, उसके साथ आपको थोड़ा सा अपना तालमेल सही बिठाने की जरूरत है, या अभी तक बिठा नहीं पा रहे थे तो अभी आप यहाँ पर बिठाओगे। मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर यही हो रहा है कि आप मतलब यहाँ पर आप अपने आप को हर चीज को अपनी आपके जो इमोशंस थे, ठीक है, उसे आप खुल के बयां नहीं कर पा रहे थे। जैसे स्प्रिट है यहाँ पर, फ्री स्प्रिट है, तो यहाँ पर आप खुल रहे हो आपकी जैसे सोल। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप गाने बहुत गुनगुनाओगे, बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी यहाँ पर रहोगे। मतलब किसी भी तरह की कोई किसी भी तरह का आपको अगर मलाल है किसी भी चीज का आपको, तो वो मलाल बिल्कुल भी नहीं रहने का कि मेरे पास ये नहीं है, या मैं पहले वो कर लेता तो सही था, या ये करने की मुझे यहाँ पर जरूरत थी। जैसे ये सब चीजों से आप परे निकलते जा रहे हो, ठीक है, और आप अपनी जैसे जो भी आपकी ऊपर अभी तक किसी एक ऐसी चीज को आप कैरी कर रहे हो जहां पर आप अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके जितने भी आपकी लाइफ के इश्यूज थे, परेशानियां थी, मेजर इवेंट्स यहाँ पर यही आ रहा है कि उन सब से आप अपने आप को आजाद कर रहे हो। और नाइन ऑफ कप्स की ऊर्जा में यहाँ पर आप आ रहे हो, जैसे एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग आ रही है आपके अंदर। यहाँ पर शिफ्टिंग यहाँ पर यही है कि आप अपने आप को बहुत जैसे आपको ऐसा लगे कि आप भर रहे हो, अंदर से भरे हुए हो आप, और आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है उसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा आ रही है, ठीक है। ये एक मैसेज आया है आपके लिए। मेजर इवेंट्स आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफी जिस किसी काम में भी आप एफर्ट डाल रहे थे, तो शायद वो एफर्ट अभी तक आपको उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, तो आपके रिजल्ट अब आपके हक में आने वाले हैं, ठीक है, और आपके फेवर में चीजें होने वाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी, और उसकी वजह से आपकी आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत मनोकामनाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर आने वाले निकट भविष्य में ये मेजर इवेंट्स यही होंगे कि आपकी यहाँ पर मैं जो आपके बहुत बड़ा चेंजेस तो आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स होगा वो यही होगा कि आप अपने जीवन के अंधकार से निकल रहे हो, प्रकाश की तरफ जा रहे हो, मतलब भाग्य उदय की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। और उस बीच होगा क्या कि आपकी जो छोटी छोटी जो विश हैं जिसमें आपकी खुशी उसी में ही है कि एक जैसे बहुत कुछ है ना कि यही चीज हमें इसी से ही सारी मुसीबतें खड़ी हो रही है, यही चीज हमसे यही खत्म हो जाती है, तो हमारी जो छोटी छोटी विषय हैं, छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो बस आपकी लाइफ में यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है। और आप उसकी वजह से जितनी भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस से बर्डन है उससे आप अपने आप को आजाद कर रहे हो, और आप अपने आप को छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, छोटी छोटी जो आपकी विश है उसमें आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है। ये मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है
कि यहाँ पर आपकी बहुत एक ऐसा मेजर चेंज आ रहा है और उसकी वजह से आप काफी आपकी छोटी छोटी जो विश है वो भी पूरी हो रही है। माय गॉड द डेविल, यहाँ पर मैंने बोला मेजर इवेंट्स निकट भविष्य में आपके लिए क्या होने वाला है। ये अंधकार जो मैं डार्कनेस की बात कर रही हूँ, अंधकार की बात कर रही हूँ, मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में क्या, अब आप यू आर द लाइट, आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो, आपके जीवन से जितना भी अंधकार है वो सब यहाँ पर खत्म हो रहा है। ओके और बहुत कुछ चीजों को, जैसे आप अपनी हर चीजों को आप अपने अंदर एक ऐसा महसूस करोगे कि फाइनली आप जो भी अपने आप को जहाँ देखना चाहते हो, जहाँ आप अपने आप को पाना चाहते हो, वो चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आपको ऐसा महसूस होएगा कि हाँ अब आप अपनी जिंदगी में खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो, एक अच्छे पल की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जो आप उसे चेंजेस होते हुए देखोगे, महसूस होते हुए यहाँ पर देखोगे आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक अपनी ही दुनिया में आप लगे हुए थे, अपनी ही प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे हुए थे, लेकिन अब आप यहाँ पर आपकी जितनी भी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सब सोल्व होते हुए नजर आ रही है और फाइनली आप अपने आप को मतलब किसी बंधन से मुक्त हो रहे हो और एक आजादी की तरफ आप बढ़ते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। क्योंकि आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल भी मैं देख रही हूँ, आपके अंदर एक खुशी को दे रही हूँ, सेटिस्फेक्शन को देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जो आपको आपके आपके जैसे कहते हैं कि ये आपकी लाइफ के चेंजेस को बताएगा कि हाँ इसके होने से ही आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही थी वो सब यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, ओके। यहाँ पर द वर्ल्ड, बहुत कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ही आप अपने आप को यहाँ पर महसूस करोगे कि चीजें आपके अनुसार यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, किसी चीज का अगर आपके अंदर एक भय पल रहा था तो उस भय से भी आप निकल रहे हो। एंड यहाँ पर माय भोलेनाथ, यहाँ पर मैं बोलूंगी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत घंटों की आवाज आ रही है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, बहुत घंटे वहां पर बसते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादातर इसी प्लेसों पे आप जाओगे, मंदिर जाओगे, जहां पर भी आप जाते हो घंटों की आवाज से आपकी बहुत ज्यादा मुझे आपकी हीलिंग यहाँ पर होएगी। ठीक है, अगर आपको मौका मिले कभी इस बीच जाने का तो अपने आप को रोकना नहीं, क्योंकि वो जो घंटों की जो आवाज है जो उससे आपकी बहुत ज्यादा हीलिंग होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी मेमोरी, जैसे आपकी मेमोरी या माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस बर्डन या रख कर चीजें आप भूल जाते हो, दिमाग में कुछ भी जैसे आपको याद नहीं रहता है, तो हो सकता है वहां पर जब आप घंटों और मंदिरों की आवाज को वहां सुनोगे तो बहुत कुछ चीजें जैसे आपके आपकी मेमोरी में वो सब चीजें वापस आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिला लॉर्ड शिव यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा है और इस कृपा को अब निकट भविष्य में आप देखोगे, क्योंकि ये आपको भोलेनाथ ने ही, ये जो मेजर चेंज हो रहा है, आप जिस अंधकार में डूबे हुए थे, जिस नेगेटिविटी के साथ आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब चीजें आपको भोलेनाथ ने ही आपको आजादी यहाँ पर दिलाई है। अदरवाइज किसी में ये ताकत नहीं थी कि आपको यहाँ पर आपको आजादी मिल जाती। यहाँ पर आपके हॉर्स स्प्रिट है, आपकी जो स्प्रिट है ना, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एक रफ्तार पकड़ रही है, एक तेज पकड़ रही है। ठीक है, और बोला यही जा रहा है आपकी स्प्रिट के लिए कि आपको आपको थोड़ा सा अपने आप को पहचानने समझने की भी यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर भोलेनाथ की असीम कृपा है, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके स्प्रिट आपके साथ में है यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पोलर बियर की भी ऊर्जा यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। पोलर बियर आपकी आपकी मासूमियत को बता रहा, आपके भोलेपन को बता रहा है कि आप कितने मासूम हो, कितने भोले हो। ठीक है, तो अब उस वो जैसे जैसे आपकी आपके भीतर चेंजेस हो रहे हैं, आपकी सिचुएशन जो है, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो ब्लॉकेज है, उसमें भी आप अपने आपको चेंजेस होते हुए देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत कुछ चीजें हैं जो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको नसीब होने वाली है। ठीक है, किसी के लिए मैसेज है कि इंगला पिंगला नाड़ी आपकी वो भी बैलेंस हो रही है। आप बहुत ज्यादा चीजों को बहुत गहराई से जाकर देखते हो, जानने समझने की कोशिश करते हो, तो वो चीजें भी आपकी अब आपके साथ वर्क करने वाली हैं। ठीक है, ऑर्डिन का यहाँ पर कार्ड आया है, तो आपके लिए यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये मेजर चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है कि अब आप अपने आप को एक ऐसी सक्सेस की तरफ, एक ऐसी जैसे एक प्रकाश है उसकी तरफ आप लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चीजें हैं जो अलग तरीके से आपके साथ यहाँ पर वर्क करेंगी। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको अपनी, क्योंकि भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ ने ही आपको प्रकाश की तरफ जो ले जा रहे हैं, आपकी आपकी अंतरात्मा, आपकी स्पिरिट के साथ भोलेनाथ का एक गहरा रिश्ता है। ओके, तो आप सिर्फ अपनी अंतरात्मा, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर सिर्फ कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, सिवा आपकी अंतरात्मा के। जितना ज्यादा, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी आत्मा को मिली हुई है, आपकी सोल को मिली हुई है, ठीक है, तो उसे जितना, उसकी जितना आप सुनोगे, उतनी ही आप अपनी जीवन को जो मेजर चेंज हो रहे, बदलाव हो रहे हैं, उसको आप फील कर पाओगे, उसे आप महसूस यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर करंट सिचुएशन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके ऊपर है, तो सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके माइकल, आर्केंजल माइकल, ये निकट भविष्य में आर्केंजल माइकल आपके साथ पहले भी थे, जो मैं बोल रही हूँ ना, स्प्रिट आपके साथ तो हर कोई है, यूनिवर्स है, भोलेनाथ है। निकट भविष्य में जो मेजर चेंजेस आपके साथ यहाँ पर हो रहे हैं, वो मेजर चेंज आपके लिए कोई किसी वरदान से कम नहीं है, ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ भोलेनाथ है और एक तरफ यहाँ पर ये हैं और स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट यहाँ पर भी है, फ्री स्प्रिट जो आपको आजादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्केंजल माइकल की भी ऊर्जा है आपके लिए यहाँ पर, कि आर्केंजल माइकल आपके लिए बहुत कुछ वर्क कर रहे हैं, बहुत आपकी हेल्प यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो आप उनका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके स्वर्ग दूत, आपका कनेक्शन, आपकी सोल का कनेक्शन बहुत गहरा है। मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में आपको यही होने वाले हैं कि अब अभी तक आप ये सभी स्पिरिट एंजल्स आपको निकालने में अभी तक आपकी हेल्प कर रहे थे और आप इनकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आप फ्री हो, आजाद हो, और अब इन सब चीजों को आप बहुत भली भांति आप महसूस करोगे, जानोगे। ठीक है, सिर्फ अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास आपको करने की जरूरत है। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आप ऐसी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके लिए कुछ ऐसा मतलब बुना गया है, कुछ आपके लिए योजनाएं बनाई गई है, कुछ आपके लिए निर्धारित किया गया है, या आपने खुद ने निर्धारित कर रखा है, तो उसी के ऊपर आपको फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है। अब आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लाइफ पर्पस में या आपकी ब्लेसिंग्स में या जो चेंजेस होने हैं उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है, अब आप फ्री हो और आप जो करना चाहते हो, ओके, आप वो कर सकते हो। मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पर यही हो रहा है
कि आपको आजादी मिल रही है, ओके, और जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपका ड्रीम है, उसे आप यहाँ पर पूरा कर पाओगे, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी एक मेजर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और उसके जरिए आपकी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी आपकी पूरी यहाँ पर होंगी, क्योंकि यहाँ पर मून की भी एनर्जी आई है। मून यहाँ पर है क्योंकि इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा से आपकी सोल का बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। एंड यहाँ पर यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी चीजों को प्रूफ कर रहा है, ठीक है। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी सोच रहे हो ना, ठीक है, वो आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो चीजें फैल रही हैं, ठीक है। आपकी कॉस्मिक गेटअवे, आपका सबकॉन्शियस माइंड को वो बहुत एक्टिव है इस टाइम पर, और आप जो भी आप अभी योजना बना रहे हो या फ्यूचर में भी जो बनाओगे, ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बेनिफिशियल होगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगी, ओके। यहाँ पर ये निकल रहा है, तो निकट भविष्य में आपकी तीन मेजर चीजें होने वाली हैं, क्रिएशन में। ये भी एक आपके लिए मेजर चेंज आ रहा है कि कुछ आपके, आप अपने आप को किसी भी चीज में आप आगे की तरफ नहीं ले जा पा रहे हो, क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारी चीजों को आप क्रिएट करोगे, जहां से आपकी विश भी पूरी होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये क्रिएशन आपसे आर्कएंजल माइकल क्रिएट करवा पा रहे हैं, ओके, या जो आप करना चाहते हो वो आप करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। ये एक विश है आपके लिए। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत क्रिएटिव हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी, अब आपकी, जैसे आपका हुनर, आपकी काबिलियत, ये क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत आगे तक आपको लेकर जाने वाली है, ठीक है। तो मेजर चेंज यहाँ पर यही हो रहे हैं, ओके, बिटर स्वीट्स। यहाँ पर ये एक मेजर चेंज ऐसा है निकट भविष्य में आपके लिए, अभी तक आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो और वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, अभी तक आप आ भी रही थी तो आप उस चीज की तरफ आप देख नहीं रहे थे, रिसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो आपको मिलेंगी, ओके। ग्रोथ मेजर चेंज यहाँ पर यही है आपके लिए कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। क्रिएट करोगे, फ्री विल है आपके लिए यहाँ पर, बिल्कुल आजाद हो आप यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज में आपकी लाइफ में नहीं देख रही हूँ। बहुत आपने पेशेंस रखा है, इंतजार यहाँ पर करा है, तो पेशेंस का फल, इंतजार का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप काफी चीजों को, आप किसी चीज से आप कनेक्ट हो रहे हो, बहुत कुछ है जिससे आप डिसकनेक्ट हो रहे थे, लेकिन आप अपनी लाइफ में आप कनेक्ट होते चले जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सेलिब्रेशन, यहाँ पर बहुत कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हो, जैसे दिखाना चाहते हो, जैसे बताना चाहते हो, ठीक है, वो सब आप यहाँ पर कर पाओगे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों को आप, मतलब अभी तक आप सोच विचार कर रहे थे कि सेलिब्रेशन, यहाँ पर आपका मन, आपका दिल, मतलब सब कुछ आपके साथ में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको मजबूर कर देगी, अगर अभी तक आप चीजों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी तक आपका हो सकता है दिल ना करता हो या मन ना करता हो, लेकिन आपका दिल भी करेगा और मन भी करेगा,
और समय भी आपके साथ में है, ठीक है। यहाँ पर माय गॉड, ये द वर्ल्ड और द वर्ल्ड मेजर चेंज, जो मेजर अरकाना का कार्ड से यहाँ पर आपके लिए, तो ये एक ऐसा चेंज लेकर आ रहा है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर भी तीन की ऊर्जा है, यहाँ पर भी तीन की ऊर्जा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो तीन नंबर के साथ आपका काफी गहरा रिश्ता है, या कोई भी नंबर्स आपको, यूनिवर्स आपको, ये जो जब चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, ये बदलाव होने वाले होंगे, तो आपको नंबर्स 3399 2244 ऐसे नंबर्स आपको काफी शो होंगे यहाँ पर। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए होगा, सेलिब्रेशन के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों को आप मतलब किसी चीज से आप जुदा भी हुए हो, तो आपके रिश्तों में भी हार्मनी आते हुए देख रही हूं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये जो मेजर चेंज आने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य उदय, ठीक है। भाग्य अब आपका उदय हो रहा है निकट भविष्य में, भाग्य आपका साथ दे रहा है, बहुत कुछ ऐसे चेंजेस आप देखोगे अपनी लाइफ में जो आपके लिए मायने रखता है, आपके लिए आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको ताकतवर बनाता है, आपको आजादी के साथ जीने की मंजूरी यहाँ पर देता है, ठीक है। कि अब आप आजाद हो और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, आप आजाद हो अपनी ब्लेसिंग्स के साथ इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब आपकी लाइफ से जितना भी अंधकार था, जितनी भी डेविल की ऊर्जा थी, वो सब हटा दी गई है। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड दो बार आया है, दो बार यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून सीधा सीधा आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत कुछ चीजें हैं जो जिसका अंत हो रहा है और न्यू जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है डियर। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।